आलू, वो कहते हैं कि दुनिया में आलू हर जगह मिल जाता है, और भी कोई एक ऐसी चीज़ होगी या दो ऐसी चीज़ होंगी जो हर जगह मिलती होंगी, बताइए ज़रा कमेंट्स में क्या है। आलू को जी हम छील रहे हैं, और छीलने के बाद जब उसको पकाएंगे तो बनेगा हमारा शेजवान चिली पोटैटो। और ये जो शेजवान चिली पोटैटो है ना, ये बिल्कुल पंजाबी चाइनीज़ वाला जो चाइनीज़ होता है ना वो वाला है, मतलब जो हर हिंदुस्तानी को बेहद पसंद आएगा। और अलग अलग रेसिपीज़ तो मैंने बनाई हुई हैं शेजवान के ऊपर, आज की जो ये रेसिपी है ना वो थोड़ी सी अलग है। अलग कैसे है कि जो आलू का ट्रीटमेंट है ना वो मैंने काफ़ी अलग किया है, उसको एक बढ़िया सी शेप दे रहा हूँ, मशरूम की तरह लगेगी और उसके अंदर एक अच्छी सी बाइट होगी। खाते वक्त आपको ऐसा लगेगा कि जैसे शायद आप पास्ता खा रहे हैं। तो चलिए मैं आलू पील कर लेता हूँ, तब तक आप ज़रा थोड़े संगीत सुन लीजिए, थोड़े से क्या कहते हैं जी ब्यूटी शॉट्स, मतलब खूबसूरत खाने के शॉट्स ज़रा देख कर आइए। अब आलू को हमें क्या करना है, बॉयल। और बॉयल करने के लिए आपको इसे रफली चॉप करना है पील करने के बाद। हो गया जी, सिंपल आलू कट गया, अब ये जाएगा बॉइलिंग वाटर में। और आलू के अंदर ना क्योंकि कोई खास टेस्ट नहीं होता जब तक कि उसके अंदर नमक ना जाए, इसलिए उबालते वक्त नमक डालना ज़रूरी है। अब देखिए आप लोग पूछेंगे कि आलू को मैंने इस तरीके से काट कर बॉयल क्यों किया, छिलके समेत क्यों नहीं किया। उसका एक ही रीज़न है, जब ऐसे काट के आप करते हैं तो आलू पानी पी जाता है, काफ़ी गीला गीला निकलता है, और इस रेसिपी के लिए हमें वैसा ही आलू चाहिए। वर्सेस अगर आप यही आलू आलू के पराठे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपको स्किन के समेत उसे बॉईल करना है, ताकि आलू ज़्यादा पानी ना पिए, वरना वो चिपचिपा लेसी आलू जो होगा पराठे के अंदर तकलीफ देगा। यहाँ पर इस रेसिपी के लिए परफेक्ट है, देखते रहिए कैसे परफेक्ट है, अभी आपको पता चल जाएगा। आलू तैयार हो गया, उबल गया। ये बेस्ट वे होता है इसे चेक करने का कि आप एक स्पून या फोक की मदद से इसे जस्ट क्रश करके देखिए, और अगर बिना रेजिस्टेंस के ये मैश हो रहा है मतलब ये तैयार है। ये देखो जी, अब देखिए क्योंकि ये आलू गर्मा गर्म है ना, तो गर्मा गर्म आलू में ही इस छन्नी में अगर इसको करछी मारेंगे तो ये बढ़िया तरीके से मैश हो जाएगा, ज़्यादा दिक्कत नहीं देगा। क्या बढ़िया तरीके से, आराम से, मेहनत नहीं लगी, कुछ नहीं, पोटैटो मैशर नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये देखो इस तरीके से ना आलू के अंदर ना गुठली नहीं पड़ती, और ये तरीका आप छिलके के साथ जब आप आलू बॉईल करते हैं हाथ से थोड़ा मैश करके छन्नी के थ्रू गर्मा गर्म पास कर देंगे ना तो यही रिजल्ट आपको मिलेगा। ये देखिए जैसे खोया होता है ना बिल्कुल वही लग रहा है, कोई दाना नहीं कुछ नहीं। अब देखिए इस आलू के अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा और सॉल्ट, ज़रा सा, इसमें जाएगा कॉर्न स्टार्च। अब कॉर्न स्टार्च बोलिए, कॉर्न फ्लावर बोलिए, आप समझ गए क्या डाल रहा हूँ मैं, प्लस थोड़ा सा स्प्रिंग अनियन। अब इसे हाथ से यूं हमें मिक्स करना है, और कॉर्न स्टार्च इसे डाल रहे हैं ताकि आलू के अंदर ना बाइंडिंग आ जाए। ये डालने के बाद इसमें डालना है थोड़ा सा पानी, पानी से क्या होगा ये ड्राई नहीं होगा, एक लचक आएगी इसके अंदर। अब जैसे आटे को गूंदते हैं बिल्कुल वैसे मैं इसको गूंद रहा हूँ। और हाँ, आलू के अंदर कॉर्न स्टार्च डालना कोई नई चीज़ नहीं है, जो आपका फेवरेट टिक्की वाला है जो चौक पर टिक्की बेचता है वो भी आलू के अंदर कॉर्न स्टार्च डालता है ताकि वो एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बने। लुक एट दिस, पानी डालने के बाद ये बिल्कुल जैसे आटे का डो लगाते हैं ना या मैदे का, बिल्कुल वैसे बन गया, बहुत ही खूबसूरत ना। इसकी शेप बनेगी, शेप और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपली इसके ना छोटे छोटे पेड़े काट रहा हूँ, यूँ करीबन 25 ग्राम होगा अगर आप तोल कर देख लेंगे इसे। अब क्योंकि इसके अंदर कॉर्न स्टार्च गया था, मज़े की बात यह है कि इसको आप मन चाही शेप्स दे सकते हैं। अगर आपके पास घर पर कोई साफ सी जाली है, वो जाली के ऊपर रख कर उसे प्रेस करेंगे आलू को, वो वैसी शेप ले लेगा। ठीक उसी तरीके से हमारे पास है ये बोतल, ये वाली सॉस ख़त्म हो गई थी तो ये बोतल बची है, और इसका इस्तेमाल करके इस आलू को मशरूम की शेप दूंगा अभी मैं। कैसे देना है जी, हल्का सा चपटा जैसे टिक्की बनती है। उसके बाद बोतल लिया, बोतल साफ़ होनी चाहिए, बोतल को यूँ लगाया, अच्छे से अंदर तक प्रेस कीजिए। अब देखिए ज़्यादा प्रेस नहीं करना है इसको, ज़्यादा प्रेस करेंगे ना तो आलू में क्रैक्स आने शुरू हो जाएंगे, और ये वही लगेगा जैसे आलू की, आलू नहीं मशरूम की जो स्टेप होती है वही है। और ये तैयार। अब देखिए ये बॉटल से शेप देने से पहले ना बॉटल को आप यूँ ऑयल के अंदर डिप भी कर सकते हैं ताकि ये आलू पे चिपके ना। उसके बाद
बोतल से यूं प्रेस करने के बाद बोतल को भी थोड़ा सा घुमा लीजिए ऐसे, तो इसके अंदर स्पेस बन जाएगी, तो वो डंडी बड़ी उभर कर आएगी, अलग सी लगेगी। और ये देखिए मशरूम तैयार। और ये आखिरी, अब देखिए एक सिंपल सी बोतल से इतनी बढ़िया शेप्स बन रही हैं, तो घर पर और ऐसी कितनी अटपटी चीज़ें होती हैं जिससे आप इस आलू के मिक्सचर को आकार दे सकते हैं। अब आपकी इनोवेशन है, जो मर्जी बनाइए। फिलहाल हमारे मशरूम जैसे दिखने वाले ये आलू तैयार। अब इनको ना हमें पानी में उबालना है। पानी में तो उबाल आ गया है, लेकिन इनको वापस एक बार फिर से हम बोतल से इसकी शेप को दोबारा से प्रेस कर देंगे, ताकि वो पकते वक्त, क्योंकि आलू है, कॉर्नस्टार्च है, वो फैलेगा, तो इसकी शेप बरकरार रहे। दैट्स इट, उबलते पानी के अंदर सीधा गया ये। और आँच को तेज़ी रखिए ताकि इसके अंदर जो बॉयल है वो बरकरार रहे। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे ये पक जाता है ना, ये ऊपर तैरना शुरू कर देगा खुद ब खुद, तो उसके बाद वो तैयार है। इसे ना ओवर क्राउड नहीं करना। आप देखिए गौर से, दो बैचेस में मैं इसे पका रहा हूँ ताकि ये अच्छे से पके, बराबर पके। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट सूचना, ये है आइस कोल्ड वाटर, चिल्ड पानी, इसको तैयार रखना। आलू निकलेगा, सीधा इसमें जाएगा ताकि इसकी कुकिंग रुक जाए। धीरे 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 आलू ऊपर तैरना शुरू कर रहा है, देखिए किस तरीके से आ गया। जिन जिन को स्विमिंग आ गई है, उनको हम इमीडिएटली निकाल लेंगे और ये जाएगा सीधा ठंडे पानी में। ये देखिए, इन लोगों ने भी तैरना सीख लिया, ये पास हो गए। फैंटास्टिक। ये देखो इस तरीके से हाथ से निकालना है। करछी से इस वक्त निकालेंगे, टूट सकता है। आलू तैयार। शेजवान चिली पोटेटो का पोटेटो तैयार है। अब हमें शेजवान सॉस तैयार करनी है, तो सिंपल है। इसके लिए हमें चिलीज को बॉईल करना है। इसके अंदर ज़रा सी सौंफ, एक ये होता है चक्री फूल, मसाले के अंदर, गर्म मसाले के अंदर हम डालते हैं। एक दो लौंग, एक छोटा पीस दालचीनी, ये है शेजवान पेपर, थोड़ा ही जाएगा क्योंकि काफ़ी तेज़ होता है ये। अब आपके पास अगर घर पर शेजवान पेपर नहीं है तो काली मिर्च का भी इस्तेमाल आप कर सकते हैं। जैसे बॉईल हो रहा है, इसी के अंदर थोड़ा सा लहसुन और एक छोटा पीस अदरक का। अब आप बोलेंगे ये गर्म मसाले मैं क्यों डाल रहा हूँ, तो चाइना के अंदर ना वो फाइव स्पाइस पाउडर होता है, जो अक्सर अलग अलग जगह वो इस्तेमाल होता है, तो इसके अंदर ज़रा सा जो स्पाइस हम डाल रहे हैं वो एक बढ़िया फ्लेवर देगा। मतलब आपकी जो शेजवान सॉस बनेगी या शेजवान चटनी बनेगी, उसका फ्लेवर बढ़िया होगा। हमारी चिली भी काफ़ी नरम हो गई है, सॉफ्ट हो गई है, मतलब तैयार। क्या सॉफ्ट, अब जल्दबाजी नहीं करनी, हल्का सा ठंडा होने दो, एक मिनट से ठंडा होगा, पीस लेंगे। ठंडा हो गया जी, फास्ट फॉरवर्ड में ठंडा करा मैंने, सब पीस लेंगे। जब ये करो ना, घर की खिड़कियाँ खोल लेना वरना छीके मारेंगे सारे। मिर्ची है, डेविल होता है, डेविल शैतान। परफेक्ट, तैयार है। यहाँ से काम आसान। सबसे पहले जी ऑयल, ऑयल को गर्म कर लो। इसमें हम डालेंगे चॉप्ड गार्लिक, गार्लिक की मात्रा थोड़ी ज़्यादा, साथ ही बारीक कटी हुई अदरक। इसी के अंदर थोड़ा सा शेजवान पेपर। अब देखिए शेजवान पेपर ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि ऑलरेडी इस सॉस के अंदर मिला हुआ है। ज़्यादा डालेंगे बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए हाथ रोक कर थोड़ा ही इसमें डालेंगे प्याज, साथ में शिमला मिर्च, लाल, हरी, पीली, तीनों थोड़ी थोड़ी। ये सॉस निकलेगी मज़ेदार। इसमें अब हम डालेंगे शैतान, और वो जो मसाले डाले थे ना, क्या बढ़िया खुशबू आ रही है उसकी इस वक्त। इसको भून लेते हैं ताकि मिर्ची का कच्चा फ्लेवर निकल जाए। ये देखिए सूख गया। इसी दौरान इसमें हम डालेंगे टोमेटो केचप, इसी के अंदर थोड़ी सी सोया सॉस, ज़रा सा मामूली सा सिरका, थोड़ी खटास के लिए। सिरका अगर आप नहीं डालना चाहते, अवॉइड इट, नो प्रॉब्लम। इसमें जाएगा पानी, जिससे हमारी सॉस बनेगी। जब तक इसमें बॉयल आ रहा है, हम लेंगे थोड़ा सा कॉर्नस्टार्च, जिसमें जाएगा थोड़ा सा पानी, और ये हमारी स्लरी तैयार। इससे हमारी सॉस ऑब्वियसली थिकन होगी। अभी तक इसमें मैंने नमक नहीं डाला। उबलने के बाद इसे टेस्ट करेंगे। नमक जाएगा, डेफिनेटली जाएगा नमक, और चुटकी भर चीनी मैं डाल रहा हूँ। और अब देखिए बॉइलिंग सॉस के अंदर धीरे धीरे हम ये कॉर्नस्टार्च डालेंगे। स्टर करते रहिए, और जैसे इसके अंदर एक बॉयल आएगा, सॉस थिक, मतलब
ऑलमोस्ट काम खत्म। ब्यूटीफुल, पक पक कर गाड़ी होगी, दिखाता हूँ आपको। ये देखिए है ना, मस्त परफेक्ट। इस स्टेज पे इसमें जाएंगे आलू। सिंपली ड्रॉप द पोटैटो इनटू द सॉस। एक बार पोटैटो डाल दिया ना, आंच को हल्का करके इस सॉस के अंदर पोटैटो को हमें पकाना है एक मिनट के लिए, ताकि पोटैटो जो है वो अंदर तक गर्म हो जाए। तो और से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। डिश तैयार, गैस बंद, और फिनिशिंग में हरा प्याज इसमें हम डाल रहे हैं, फ्लेवर भी देता है और कलर भी। मिक्स इट अप, चलिए इसे प्लेट करते हैं। शेजवान चिली पोटैटो टन, सुपर, गुड लुकिंग है यार, ऑसम awesome।